5 सितंबर को मनाए जाने वाले वर्ल्ड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी SCI डे से पहले इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर ISIC ने इलाज और रिहैबिलिटेशन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से खेलकूद और अन्य समावेशी कार्यक्रमों की शुरुआत की। यह कार्यक्रम 1 से 5 सितंबर 2024 तक मनाए जाएंगे। 5 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत साइक्लोथॉन के साथ हुई, जिसे साइकिल ग्रुप के सहयोग से आयोजित किया गया और मरीजों और स्टाफ द्वारा वॉकाथॉन किया गया। 5 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन बसंत कुंज के पार्षद जगमोहन महलावा, रोहित मीना IPS, DCP साउथ वेस्ट ने मुख्य अतिथि के रूप में किया और ISIC की चेयरपर्सन वोली आहुलवालिया भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर ISIC के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर CSO सुगम आहुलवालिया, स्पाइन सर्विसेज के हेड डॉक्टर विकास टंडन, वरिष्ठ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने एकजुटता की अपील की। बता दें कि 2024 के SCI दिवस का विषय है एंड वायलेंस प्रोटेक्ट स्पाइनल कोड, हिंसा समाप्त करें, रीढ़ की हड्डी की रक्षा करें। इस दिन का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, हिंसा को रोकना और ऐसे वातावरण बनाना है। ISIC की चेयरपर्सन भोली आहुलवालिया ने कहा, हमारे कार्यक्रम इस साल के SCI दिवस की थीम हिंसा समाप्त करें, रीढ़ की हड्डी की रक्षा करें के साथ मेल खाते हैं। ISIC के स्पाइन सर्विसेज के हेड डॉक्टर विकास टंडन ने कहा, 5 सितंबर को मनाए जाने वाला SCI दिवस रीढ़ की हड्डी की चोटों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इन स्थितियों के साथ रहने वाले व्यक्तियों के लिए एक अधिक समावेशी समाज की आवश्यकता पर जोर देता है। बता दें कि समावेशिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ISIC के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर सुगम आहुलवालिया ने लोगों से अपील की। ISIC उपयुक्त पदों के लिए PWSCI रीढ़ की हड्डी की चोट वाले व्यक्ति और अन्य विकलांग व्यक्तियों को सक्रिय रूप से रोजगार देने का प्रयास कर रहा है। इंडियन स्पाइनोलॉजी सेंटर टुडे इज 1st of September। बेसिकली सितंबर मंथ हम लोग SCI वीक की तरह से मनाते हैं और 5th सितंबर को SCI डे माना जाता है। SCI डे इज बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे। इट्स अ डे विच इज अ हॉलमार्क फॉर सेलिब्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स। इट इज अ डे विच हैज बीन एफिलिएटेड टू ISCOS सोसाइटी। इट्स एन इंटरनेशनल स्पाइनल कॉर्ड सोसाइटी। द आइडिया ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस पर्टिकुलर डे इज दैट यू नो वी वॉन्ट टू एम्पावर आर स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स। दीज पेशेंट्स who have been stuck with this devastating injury like spinal cord injury wherein they have become paraplegics, quadriplegics. We always wanted to make them better and we want the society to accept them like their own. We don't want them to feel that they are different from us. So basically unko inclusion, so inclusive society ke liye we want to advocate for this to the government. And the idea is ki unko accessibility mile har jagah. It's not easy to, you know, go on a wheelchair everywhere. If you want to go somewhere, you need to go, these patients need to go on a wheelchair, and accessibility is a big problem in India. The roads, the malls, the place of job, place of work, these are not accessible. So the advocacy is to government, a request to government is to make all the places majorly where these patients go to be accessible. These patients have multiple other problems, so but at the same time they don't have the insurances are not given easily to these people, the jobs are not given easily to these patients. So the request to government is that, you know, these patients should not be considered different from a abled person. They are not disabled, they are differently abled, and they should be incorporated full heartedly with open arms in the society. Thank you so much. Thank you. ये तो हम प्रोग्राम जब से शुरू हुआ है उसी वक्त उसी साल से कर रहे हैं, हर एक साल करते हैं और हर एक साल की थीम फर्क होती है। इस बार की थीम है स्पाइन, बिकॉज स्पाइन है तो सब कुछ है। स्पाइन खराब हो गई बंदे की तो लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। सारे ऐसे होते हैं जैसे कि ज़िंदगी दोबारा से शुरू हुई है, सब कुछ दोबारा से सीखना पड़ता है, उठना बैठना खाना पीना। सो बहुत ज़रूरी है कि हर बंदा स्पाइन की रक्षा करे, दूसरों की भी मदद करे और जितने कम से कम हो सके रोड एक्सीडेंट्स,
वो करे, मतलब हमारे हाथ में तो नहीं है, पर सबको चाहिए कि थोड़ा ड्राइविंग सेफली करे, और अगर कोई रास्ते में मिल जाता है इंजर्ड तो उसकी पहले मदद करें, यानी कि देख के वीडियो बनाने शुरू कर दें, वो बहुत गलत बात है। सो स्पाइन इज द मेन, इज द स्पाइन ऑफ लाइफ, सो इट हैज़ टू बी सेफ। थैंक यू, थैंक यू जी। सरीन, एसीबी वसंत कुंज है, तो पूछिए आप लोगों को क्या पूछना है। सर, आज के इवेंट के बारे में बता दीजिए। आज के इवेंट में हम लोग शामिल हुए हैं, और इवेंट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। लोगों में स्पाइनल इंजरीज को लेकर अवेयरनेस पैदा करने के लिए, किसी भी एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में जब स्पाइनल इंजरीज होती हैं तो एक आदमी की जिंदगी बहुत हद तक खराब हो जाती है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम रोड सेफ्टी जो संबंधी नियम हैं उनका पालन करें, रोड एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करें, जितने भी मोटर व्हीकल एक्ट में दिए गए रूल्स हैं उनका पालन करें और रोड एक्सीडेंट से बचें, ताकि रोड एक्सीडेंट से बचेंगे तो ही हम इंजरी से बचेंगे, और इंजरी से बचेंगे तो एक स्वस्थ समाज की कल्पना हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Yeah, good morning. I am Dr. Ashish Chandra. I am the Chief Operating Officer of Indian Spinal Injury Center, and I am very happy to share that we are celebrating World Injury Week this time, and it is going to be culminated on 5th, which is going to be observed as a Spinal Cord Injury Day. So we have, because Indian Spinal Injury has a legacy of 30 years being a flagship and a torch bearer in medical programs like spinal injury, spinal cord injuries, and orthopedics, and has always been at the forefront in providing treatment to such kind of patients who are admitted in a hospital. Now, usually what happens in different hospitals, you would find that you would have majorly one spectrum of treatment available for the spinal cord injuries, but however at Indian Spinal Injury Center we have complete spectrum of treatment related to this, which includes not only surgical treatment but medical treatment, and then followed by rehabilitation. Rehabilitation is complete and holistic. The idea is that the patient should not only benefit physically but also there should be emotional support which has to be provided to these patients, because there are a lot of issues which comes in day-to-day life. So Indian Spinal Injury Center takes complete care of the whole spectrum of a patient who has come with spinal cord injury, from surgical or medical till the rehabilitation. And this time, to promote this, we are ensuring that we conduct 5 days of activities related to these patients, so that there is more awareness of in the community about these patients and how the treatment has to be given, and how what are the complete spectrum diseases which treatment which is available in the organization or in the hospital. So this is what which we are doing. It would include a lot of activities like cyclothon. We started off with a cyclothon at morning at 7 o'clock. Then we have this wheelchair cyclothon, which was flagged off by the ACP, and it's going to be followed by poster competition. Then on different days there's going to be physiotherapy activities, there's going to be other various activities, and I hope that this continuous and information and activities which we are going to be directed towards these spinal cord injury patients is going to make community much more aware and sensitized towards the needs of these patients.